हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। और आज हम लोग बात करेंगे एम्बुलेंस मूवी की, जो कि थिएटर्स में रिलीज हुई है, की ओवरऑल 2 hours 15 minutes की, और आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने मिलती है। इसे डायरेक्ट किया माइकल बे ने, जिसे हॉलीवुड का रोहित शेट्टी भी बोला जाता है। कोई नहीं बोलता, मैं ही बोलता हूँ। इस मूवी में हमें नजर आते हैं जैक गिलेनहॉल, याया अब्दुल मतीन और ईजा गोंजालेस। मूवी के गाने शुरू होते हैं विलियम से, जो कि एक वॉर वेटरन है, लेकिन इनको अभी फिलहाल पैसों की जरूरत है, इसलिए वो अपने एडॉप्टेड ब्रदर डैनी के पास जाते हैं जॉब लेने के लिए या थोड़ा बहुत पैसा ही लेने के लिए। लेकिन डैनी का प्लान कुछ दूसरा है, यानी कि डैनी एक बैंक लूटना चाहता है, और अगर ये लोग सक्सेसफुल होते तो इनके पास $32 million होंगे। ऐसे में कहानी में क्या कुछ होता, कैसे वो एम्बुलेंस वाला एंगल आता है, यानी कि हमारी मूवी की एक्ट्रेस ईजा गोंजालेस का इंट्रोडक्शन होता है, फिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। स्टार्ट से लेकर एंड तक इस मूवी में आपको एक्शन, इमोशन, थ्रिल और ह्यूमर, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और हालांकि इस मूवी में कुछ भी नया नहीं है, इस तरह की मूवी हॉलीवुड में बहुत बार बन चुकी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इस मूवी को बनाया, जो सिनेमेटोग्राफी, जिस तरह से कैमरा मूवमेंट बताया, भाई कैमरा मूवमेंट इस मूवी का सबसे बेस्ट है। यानी 2022 में अब तक की बहुत सारी मैंने मूवीज देखा, तो अगर कैमरा मूवमेंट किसी मूवी में मुझे एकदम बढ़िया लगा तो भाई यही वो मूवी है। एक्टर्स का परफॉर्मेंस लाजवाब है, मुझे ये मूवी अच्छी लगी। लेकिन आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पेरेंटल गाइडेंस से इतना बोलूंगा, मूवी में अश्लील कुछ भी नहीं है, और मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।